तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक है पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल रैद की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बार्डॉक आखिर चक्रवर्तन के खिलाफ क्या कर पाता है। दोस्तों, ड्रैगन बॉल रैद की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है थिबॉल डिबॉम ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, मैं चैनल मेंबर्स को भी दिल से बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने चैनल को ज्वाइन किया चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप भी चाहें तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करें अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि बार्डॉक अपनी सुपर सेन 3 की फॉर्म में चक्रवर्तन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और तभी चक्रवर्तन एक अटैक बनाने लग जाता है। चक्रवर्तन बार्डॉक से बोलता है कि आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास पहुँचा कर। एकदम से चक्रवर्तन अपना अटैक बार्डॉक की तरफ शूट करता है। जैसे ही ये अटैक बार्डॉक से टकराता है, बार्डॉक इस अटैक को रोकने की कोशिश करने लग जाता है। चक्रवर्तन का ये अटैक बार्डॉक के रोक पाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए बार्डॉक ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता। पर बार्डॉक चक्रवर्तन से बोलता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम तो पहले ओमनी किंग थे। चक्रवर्तन बोलता है, सैयन मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। हम देखते हैं कि चक्रवर्तन एकदम से अपनी चुटकी बजाता है और जैसे ही वो चुटकी बजाता है, बार्डॉक जिस अटैक को रोक रहा था वो बड़ा हो जाता है। बार्डॉक अभी भी अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल भी कर रहा होता है। वो चक्रवर्तन को गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि तुम सबसे पहले ओमनी किंग थे, फिर भी कितनी अजीब बात है कि तुम्हें एक आम सैयन इतनी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। चक्रवर्तन को बार्डॉक की बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से अपनी चुटकी बजाता है। हम देखते हैं कि बार्डॉक जिस अटैक को रोक रहा था वो एकदम से फट पड़ता है, उसकी एनर्जी चारों तरफ फैलने लग जाती है। चक्रवर्तन बोलता है कि बेवकूफ़ सैयन, अब मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जैसे ही चक्रवर्तन का अटैक फटता है, हम देखते हैं कि बार्डॉक अपनी सुपर सैयन गॉड वाली फॉर्म में चला जाता है और बोलता है कि अब मैं वो कर सकता हूँ। बीरज समझ जाता है कि बार्डॉक क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो बोलता है, क्या बार्डॉक सच में सुपर सैयन गॉड की एब्जॉर्ब करने वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो चक्रवर्तन के अटैक को एब्जॉर्ब कर सके। बार्डॉक अटैक को एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और बोलता है, दोस्तों मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें इस तरीके से छोड़ के जा रहा हूँ, पर मेरे पास ये इकलौता रास्ता था। फ्रीजा बार्डॉक की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इस एनर्जी को कंटेन कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि बार्डॉक इस एनर्जी को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है और बोलता है कि मैं इस एनर्जी को कंटेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इस एनर्जी को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैकरोट, वेजिटा, ब्रोली, इन तीनों के साथ। हम देखते हैं कि बार्डॉक 3 एनर्जी के ब्लास्ट फेंकता है। पहला एनर्जी का ब्लास्ट गोकू की तरफ जाता है। वो बोलता है कि मेरी एनर्जी वापस आ गई है, थैंक्स डैड। दूसरा अटैक वेजिटा और तीसरा अटैक ब्रोली के पास जाता है। वेजिटा बोलता है कि मेरी गॉड की वापस आ गई है। ब्रोली बोलता है कि मेरी ताकत भी वापस आ गई है, पर इसके ज़रूर कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे ही तीनों सैयंस की ताकत वापस आती है, बार्डॉक के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी चमकने लग गई है। वो आसमान की तरफ देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, गीने, रेडिट्स, पटाटा, रिंगो, दोस्तों मैं तुम सभी को ज्वाइन करने वाला हूँ। आखिरकार बार्डॉक दुनिया को बचाते बचाते अपनी जान दे देता है, पर वो 3 सैयंस पर अपनी पूरी की पूरी होप छोड़कर चला गया है। तभी हम देखते हैं कि बीरस अपनी जेब से कुछ निकालता है और बोलता है कि इस सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि शिन का गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। हमें पता चलता है कि शिन का भेजा हुआ गिफ्ट कुछ और नहीं, पोटारा इयररिंग्स हैं। बीरस ये पोटारा इयररिंग्स गोगो को दे देता है। गोगो बोलता है, थैंक यू लॉर्ड बीरस, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। डैड, आपकी आखिरी इच्छा का भी रिस्पेक्ट हम ज़रूर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली दोनों पावर डाउन करते हैं। ब्रोली बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। चक्रवर्तन समझ जाता है कि तीनों सैयन मिलकर क्या करने वाले हैं। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें फ्यूज़ करने का मौका दूंगा इतनी आसानी से। चक्रवर्तन एकदम से अपनी एनर्जी को चार्ज करता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि गोहान और फ्रीजा दोनों उसका रास्ता रोकने के लिए आ जाते हैं। गोहान एकदम से चक्रवर्तन के सामने आकर बोलता है कि तुम इस दुनिया पर कब्जा नहीं कर पाओगे जब तक मैं यहाँ पर हूँ। एकदम से चक्रवर्तन फ्रीजा और गोहान दोनों पर अटैक करता है और दोनों के शरीर में से खून निकलने लग जाता है। दोनों को इस अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। गोहान को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बावजूद भी उसे इतनी ज़्यादा चोट कैसे लग गई, और फ्रीजा की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बोलता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। एकदम से फ्रीजा एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाता है और ये अटैक वो चक्रवर्तन पर शूट करता है। हम देखते हैं कि चक्रवर्तन इस अटैक से अपने आप को बहुत ही मुश्किल से बचा पाता है। दूसरी तरफ से गोहान चक्रवर्तन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है
और एक पंच बनाकर चक्रवर्तीन को मारने वाला होता है। वो बोलता है कि ये लो, पर इससे पहले कि गोहान चक्रवर्तीन पर अटैक कर पाए, चक्रवर्तीन गोहान को देख लेता है और गोहान के चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। चक्रवर्तीन के पंच से गोहान के मुँह से खून निकल जाता है। चक्रवर्तीन बोलता है कि तुमने अभी इस फॉर्म को मास्टर नहीं किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त अटैक चक्रवर्तीन के शरीर के आर पार निकल जाता है। चक्रवर्तीन बोलता है कि आखिर ये क्या है। अगले ही पल हम देखते हैं कि चक्रवर्तीन के शरीर के आर पार एक एनर्जी आती है, जिससे चक्रवर्तीन के शरीर के दो टुकड़े हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये एनर्जी का अटैक किसने किया था। हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाला कोई और नहीं, वेजिटो था, यानी कि गोकू और वेजिटो का फ्यूजन कम्प्लीट हो गया। वेजिटो बोलता है, दोस्तों समय बचाने के लिए बहुत सारा थैंक्स। असुरा को भी याद आता है कि ये वॉरियर कौन है। वो बोलता है अच्छा। केफला भी वेजिटो की ताकत को महसूस करके बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। वो बोलती है अच्छा, यानी कि ये है यूनिवर्स 7 के सैयंस का फ्यूजन। वेजिटो एकदम से पावर अप करता है और सीधा अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म में चला जाता है। वेजिटो सभी से बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, प्लान उसी हिसाब से काम कर रहा है। गोहान, केफला, मेरी मदद करो। गोहान बोलता है कि मैं समझ गया। दूसरी तरफ चक्रवर्ती ने अपनी बॉडी को रीजनरेट कर चुका होता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी रीजनरेशन एबिलिटीज़ बेकार हैं। केफला बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो अपना एक पोटारा उतारने लग जाता है और बोलता है, ब्रोली ये लो। वेजिटो ब्रोली से बोलता है, ब्रोली थोड़ा सा इंतज़ार करना। और ब्रोली एकदम से पोटारा को पकड़कर बोलता है कि ठीक है। चक्रवर्तीन के शरीर में से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और हम देखते हैं कि गोहान और केफला दोनों चक्रवर्तीन की तरफ बढ़ रहे हैं। और एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो अपना अटैक चार्ज करने लग जाता है। ये अटैक होता है फाइनल कामेहामेहा। आखिरकार वेजिटो अपना सबसे ताकतवर अटैक चक्रवर्तीन की तरफ ब्लास्ट करता है और दूसरी तरफ गोहान भी अपना सबसे ताकतवर अटैक यानी कि मासेंको करता है। तभी हम देखते हैं कि केफला भी अपना अटैक शूट करती है, जिसका नाम होता है जाइगेंटिक बस्ट। चक्रवर्तीन बोलता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये सब कुछ बेकार है। जैसे ही ये सारे के सारे अटैक चक्रवर्तीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, चक्रवर्तीन सिर्फ एक अटैक का इस्तेमाल करता है, जो होता है हैकाई, जिससे सारे के सारे अटैक्स एकदम से बेकार हो जाते हैं। पर इन अटैक्स का काम चक्रवर्तीन को रोकना नहीं था, बस थोड़ा सा समय जुटाना था। वेजिटो एकदम से पावर डाउन करता है और अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। वो चिल्लाता है, ब्रोली अब। ब्रोली एकदम से पोटारा पहन लेता है और बोलता है, हाँ मैं समझ गया। जैसे ही ब्रोली पोटारा पहनता है, वेजिटो बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये काम कर रहा है। ब्रोली बोलता है, हाँ मैं सही था। इससे हमें पता चलता है कि जिस प्लान की बात वेजिटो कर रहा था, वो प्लान ब्रोली का था। आखिरकार वेजिटो और ब्रोली दोनों का फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है और हम देखते हैं कि ब्रोली, वेजिटा और गोकू तीनों का फ्यूजन कैसा लगता है। ये फ्यूजन पिछले फ्यूजन से अलग है, क्योंकि पिछला फ्यूजन फ्यूजन डांस से बना था और ये फ्यूजन पोटारा फ्यूजन है। तो हमें देखना है कि ये फ्यूजन पिछले फ्यूजन से कितना ज़्यादा ताकतवर है। पर इस फ्यूजन की पर्सनैलिटी बिल्कुल पिछले फ्यूजन की तरह ही है, इसीलिए इसका नाम होता है ब्रोजिटो। आखिर ब्रोजिटो चक्रवर्तीन के खिलाफ क्या कर पाएगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।